सोलन में भाजपा को जितनी उम्मीद नहीं थी उससे दोगुनी जीत हासिल हुई है। भाजपा को जिला सोलन में अर्की, नालागढ़, दून, कसौली सभी विधानसभा क्षेत्रों में भारी बहुमत मिला है। यही कारण है कि भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी जोश देखा जा रहा है। जिला सोलन से भाजपा को भारी लीड मिली, जिसके तहत कार्यकर्ताओं में भारी जोश देखने को मिला। शुरुआती तौर में भाजपा को कम लीड मिल रही थी, लेकिन बाद में ये लीड लगातार बढ़ती गई। सोलन में भाजपा को सबसे कम 16,188, कसौली में 17,488, दून से 20,745, अर्की से 29,454 और नालागढ़ में सबसे अधिक 39,970 की लीड मिली है। जिला सोलन में विजय हासिल कर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया और विजय रैली का आयोजन किया। इस रैली का शुभारंभ शूलिनी मंदिर से किया, जिसकी अध्यक्षता सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने की। इस मौके पर विशेष तौर में सांसद वीरेंद्र कश्यप भी मौजूद रहे। इस मौके पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने कहा कि सोलन वासियों ने देश के सुनहरी भविष्य के लिए भाजपा को बहुमत दिया है। यही वजह है कि पांचों विधानसभा सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की है। उन्होंने बताया कि ये विजय राष्ट्रवाद की विजय है, इसलिए आज सोलन में उत्सव का माहौल है और सभी कार्यकर्ता खुश हैं। वहीं सांसद वीरेंद्र कश्यप ने कहा कि मोदी लहर सुनामी में परिवर्तित हो चुकी है, इसलिए आज समूचे भारत में कमल खिल चुका है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल केवल देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोसते रहे, यही कारण है कि आज देश ने उन्हें पूरी तरह से नकार दिया है और भाजपा को फिर से जीत हासिल। मैं आशास हुआ है कि देश की जनता श्री नरेंद्र मोदी जी के 5 वर्ष का जो कार्यकाल है, और जिस तरह से उन्होंने गरीब परिवारों के लिए, महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, वंचितों के लिए, किसानों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए, व्यापारियों के लिए, सभी वर्गों के लिए जो हैं विभिन्न स्तर पर जो हैं योजनाएं बनाकर कार्यान्वित की हैं पिछले 5 वर्षों में, लगता है मुझे कि वो इसी का ही परिणाम है कि जिस तरह से आज हमारा विरोधी पक्ष सबका सब सारे का सारा इकट्ठा होकर मोदी जी को गाली निकालता रहा, वो उनके खिलाफ गया। और मैं मानता हूं कि श्री नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयास द्वारा और जिस तरह से कार्य योजना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी ने बनाई है, और जिस तरह से प्रदेश के नेतृत्व ने और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने अपने बूथ पर जाकर नरेंद्र मोदी के और हमारे हिमाचल प्रदेश में श्री जयराम ठाकुर जी के 15 महीनों का जो कार्यकाल है उसको पॉजिटिविटी करते हुए हर आदमी तक, हर जो है किचन तक पहुंचाने का प्रयास किया है। मैं अपनी तरफ से, पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से हिमाचल प्रदेश के सभी मतदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं उनको। जिला सोलन में कुल 2,94,619 मत पड़े, जिसमें से कुल 80,958 कांग्रेस तो भाजपा को 2,04,803 मत पड़े, जो कुल मतदान का 69.50% है। तो ये था आज दिन भर का कार्यक्रम। कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए एस टुडे के साथ। नमस्कार।